वाह, तुम तो बहुत कमाल हो, तुम ही मुझे अमीर बनाओगे। कमेक, लगाओ किसने मारा? अपना मुंह देखो चिंदी चोर का ही क्या? लाखा की बेइज्जती, तुम्हारे तो अभी बताता हूँ। बताओ गंदे वालो, मैं तुम्हें छोड़ूंगा ना। थोड़ा सांस ले लूं। अरे तुम क्या करने वाले हो? ये दर्द तो जानलेवा है, आज मैं काम भी नहीं कर पाऊंगा जी। क्या सेठ जी आप हैं? कहाँ है, तुम पहले से ही लेट हो। मैं काम कर रहा हूँ उसमें, लेकिन आपको तो उन बालों के बारे में पता है, हमेशा टांग उड़ाते हैं काम के बीच में। बालों का बहाना बंद करो, मैं तो उन्हें कब का सर्कस में बेच चुका होता। अरे रुकिए, आपको तो पता है मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ, ये हमेशा मेरे रास्ते में आते, और आज तो उन्होंने मुझे बहुत मारा और हालत खराब कर दी। अच्छा मैं कह रहा था कि डिलीवरी थोड़ी देर में बात करूँगा। मैं तुम्हें भीम की गोलियाँ भेज रहा हूँ, इससे तुम ताकतवर बन जाओगे, उम्मीद करता हूँ वो फायदा करेंगी। अरे रुको रुको सेठ, गंदे भालुओं, तुम्हारी वजह से अगर मेरी नौकरी गई तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा ना। मैं आ रहा हूँ। अरे कचरे का टुकड़ा, लग के लिए पर्स ले आए। भीम की गोलियां, भीम की गोली खाओ और ताकतवर बन जाओ सिर्फ 10 मिनट में। और ध्यान रखें कि जब इस गोली का असर खत्म होगा तो आपको बहुत थकान फील होगी, और एक बार में 3 गोली से ज्यादा नहीं ले, नहीं तो तुम बहुत पछताओगे। ये क्या बकवास है यार? अरे ये तो इतनी छोटी है, क्या ये मुझे वाकई में भीम जैसा स्ट्रॉन्ग बना देगी? चलो कोई बात नहीं, देखते हैं क्या होता है। मुझे लगता है मेरे नसों में बहुत ताकत दौड़ रही है। ये भीम गोलियां तो वाकई में काम कर रही है, मुझे लगता है कि मैं तो कभी थकने वाला ही नहीं हूँ। और अब चलो उन भालों को बताते हैं। चलो चलो जब लो, मुझे पकड़। भाई वो क्या, मुझे दे दो, वो मुझे मिला था, मुझे दो। हाँ क्यों नहीं, अब ये मेरा हो गया, यही जिंदगी है भाई। ये क्या? गंदे भालुओं, अब तुम्हारा अंत नजदीक है, तुमने मुझे बहुत परेशान कर लिया, और इस बार मैं मैं जरूर पकड़ूंगा। बाय, मैं थक गया हूँ। ठीक है, मेरे पास एक आइडिया, देखो हम उस पर हमला बोलेंगे, ठीक है? चलो चले। ठीक है भाई, देखते हैं उसमें कितना दम है। अरे नहीं, ओए लखे, पिटाई का वक्त हो गया। इसको लगता है मैं कमजोर हूँ। अभी बताता हूँ बच्चे। भाई तुम ऐसा क्यों लगा ये सही आइडिया? और चाहिए क्या, तुम मुझे परेशान करोगे मैं तुम्हें कर दूंगा। हम्म,
अब जंगल को बर्बाद करना बहुत आसान है और मैं भी बहुत जल्दी अमीर हो जाऊंगा। अब पुराना लाखाई यहाँ का राजा होगा। ओ नहीं, जितना सोचा था उससे ज्यादा मुश्किल है। चलो उसे अभी के अभी पकड़ते हैं। ए, तुम पागल हो गए हो? तुमने देखा नहीं वो लखा जाने से ताकतवर हो गया? हाँ, उसमें कुछ तो फर्क आया है। वैसे उसने क्या किया ऐसा? काश मैं जानता। तुम्हें लगता है वो खाली टाइम में कुंग फू सीखता है? हाँ, कौन लखा? तो तुमने उन भालुओं को ठिकाने लगा दिया? मुझे पता था आप यही पूछोगे। हाँ, तो मैं आपको बता देता हूँ कि अब वो भालू हमारे रास्ते का कांटा नहीं बनेंगे। और आपका शुक्रिया ये गोलियाँ भेजने के लिए। थैंक यू। दरअसल ये तो बढ़िया है। और जाओ मेरे लिए जंगल साफ। आपको पता है मैं कर ही दूंगा, क्योंकि मैं मर दूँ। और हाँ, वो भीम की गोलियाँ वो मैं तुम्हारी तनख्वाह से काटूंगा। मेरी तनख्वाह से काटेगी? अरे नहीं, आप मजाक कर रहे हो। अरे रुको रुको, भीम की गोलियाँ? अरे ये तो बच्चों का खेल है। अरे यार, सोने का वक्त आ गया। अरे मुझे नींद आ रही है। अब देखो अब हम क्या करते हैं। चलो हरकुलिस की गोली उठाकर यहाँ से भागते हैं। ठीक है। अरे वाह, ये तो बहुत गहरी नींद में है। राते नहीं। ये जगह हुआ है। चलो चलो। ए, ये तो अभी भी सो रहा है। ये इसके टक्कर की गोलियां मेरे पास है। शांत हो जाओ, उसे जगाना है क्या? तो तुम दोनों, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आने की और मेरी गोलियां चुराने की? वापस करो मेरी गोलियां। तो तुम्हें ये चाहिए तो तुम आकर क्यों नहीं ले लेते? ए, बॉटल वापस करो। ए, वापस आओ बॉटल गंदे भालो। गोल दे। आओ लड़ते हैं। क्या ये तो बहुत क्या है? भाई हम तो लखे के घर आ गए। यार तुम तो लाखा के इलाके में आ गए। अब खेल में और भी मजा आएगा। ठीक है, हमला करने का वक्त। मुझ पर पीछे से हमले की कोशिश, ठीक है, वो तो लाखा का काम है। मुझे लगता है मैंने तुम्हें कुचल दिया। ना लायक। ये चलो आज इस किस्से को हमेशा के लिए खत्म करते हैं। तैयार हो जाओ भालू, क्योंकि अब तुम्हें ऊपर वाले के यहाँ जाना है। मैं नहीं पा रहा। लगता है उन गोलियों का असर खत्म हो गया। ये अभी खत्म नहीं हुआ लड़का। दबलू, उसके पास एक और है। अरे नहीं, उसमें तो लिखा था कि दिन की 3 ही गोलियां लेनी है। मेरी ये चौथी थी, अब मेरे साथ में क्या होगा? अरे ये मेरा हाथ ऐसा क्यों हिल रहा है? अरे अरे मेरा खुद पे काबू नहीं रहा। अरे ये क्या हो रहा है मेरे साथ में? अरे रुको रुको, ये तो शायद कोई साइड इफेक्ट होगा। अरे अरे रुको 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 रुको, अरे अब तो मैं हिल भी नहीं सकता। ओए लखे, क्या तुम थक गए हो?
अब यही पे रहना। शकल बनाई, अरे शकल बनाई। आज ये भालू आसपास नहीं है, ऐसे तो मैं पूरा घोड़ा पूरा कर दूंगा आज के आज। जहाँ पर भी बुरे लोग, हम दोनों तुमसे लड़ेंगे। एकदम सही कहा भाई, जंगली लड़ाकू। तुम लोग क्रिज की तरह नाटक क्यों कर रहे हो? ये तो अभी जवान पेड़ था, ये तो बुरा हुआ भाई। हम इस लक्का का क्या करेंगे? देखो और सीखो, बहुत प्रैक्टिस किया मैंने। शिकार गिर गया। वाह क्या बात है भाई। ओए लक्के, अभी तुझे और पीटना बाकी है। ठीक है, जाल तो बिछा दिया है, आओ थोड़ा और आगे। लक्के ने यहाँ पे जाल बिछा हमारे लिए। मुझे पता है तुम दोनों मुझसे बहुत डरते हो, कांप रहे हो बच्चों। मैं तो आगे आओ, अरे आगे आओ ना, आगे आओ। एक दो तीन। क्या गधा ये। मुझे अकेला छोड़ दो। अरे अब ये क्या हुआ? ओए लक्के, अरे क्या हम बैठ के बात कर सकते हैं भाई साहब? ये ले, अब पता कैसा लगा? मजा आया तुझे? चलो चले। अरे बहुत मारा रे बालुओं ने, शायद मुझे पूरा दिन घर पे ही रहना चाहिए था। हेलो कौन है? तुम्हें क्या लगता कौन होगा? मेरी लकड़ियाँ कहाँ है? हाँ सेठ जी, अरे मैं काम कर ही रहा था कि बीच में तकलीफ आ गई, वो तो आपको बता रहा। बड़े गंदे हमारे पास अब बस 3 दिन बचे हैं, मेरी लकड़ियाँ मुझे दे दो और उन गंदे बदबूदार भालू। अरे मुझे और टाइम चाहिए। अरे मेरे किस्मत, अब मैं ये काम 3 दिन में कैसे करूँगा? मुझसे ना हो पाएगा। अब ये क्या है, बालों को पकड़ने का तरीका? लालच देने का और खालों को पकड़ने का। बेचिए खाल उधेड़िए या एक्सपर्ट बन जाइए। ज्ञान में ही असली ताकत है, और इस बंदे को एक साथ अपनी मास्टर डिग्री मिल जाएगी। ये क्या हो रहा है? एक मिनट रुको, ये लखा काम कर रहा है क्या? डब्लो उठो, डब्लो। ठीक है मैं ही जाकर देखता हूँ। ला 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 ला। अरे रे रे, खुशी हुई तुम्हें देखकर लखे? ओत्री, अरे बाबू वापस आओ। अरे बचाओ, रुक जाओ। आजा भालू लखे, तू आज बचेगा नहीं। मैं यहाँ हूँ बच्चूरा भालू। हार मान जा लखे। ओए चूहे, ये क्या है? ये अजीब है। अरे यार बाय बाय बाय, तुम कहाँ हो बाय? कब तक छुपोगे भालू? मैं तुम्हें पकड़ ही लूंगा जल्दी। जरा यहाँ देखो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम मेरा पीछा कर रहे हो? इसके बारे में क्या ख्याल है? माफ कर दो भाई साहब, मैं तो तुम्हारे साथ नाश्ता करने आया था। सच में? बस इस तरफ आइए प्लीज। अरे वाह, उधर देखो कितना बढ़िया खाना। अरे वाह, इतना सारा खाना। मैं ये भी खाऊंगा, मैं सब खाऊंगा। खा ले भुक्कड़ भालू। अरे मेरा पेट तो पूरा भर गया। मैं बाहर भी नहीं निकल पा रहा। क्या ये होल छोटा हो गया? क्या हुआ? अटक गए? मेरे साथ पंगा लोगा तो ऐसा ही होगा। चलो अब सो जा, गुड नाइट। कितना बोरिंग है,
मुझे बिल्कुल मजा नहीं आता जब मैं नाश्ता लेने निकलता हूँ। कितना बढ़िया है। ये तो बहुत मजेदार है। महाराज को नाश्ता बहुत पसंद आएगा। केले। ये केले कितने सुंदर हैं। चल बच्चे, तेरा काम तो हो गया। अगली बार तेरा लीडर को भी ऐसे ही मजा चखाऊंगा। अच्छा, इतनी देर क्या लग रही है? तुम इसे अपने तरीके से खेलना चाहते हो? चलो खेलते हैं। आखिरकार इस बार कोई गड़बड़ हुई तो? बाबू, हेलो, अजीब बात है। कहाँ है वो? उसकी दिक्कत क्या है? मेरे लिए रंग में फल नहीं चुन सकता क्या वो? बंदर है क्या इंसान? चलो देखते हैं उसे यह नया मुकुट कैसा लगता है। मुझे पक्का पता उसे पसंद आएगा। अति सुंदर। इसे पहन के देखता हूँ। ए, सुबह हो गई मामू। कौन है वो? चल मेरा बंदर राजा, पहन ले भाई। यह तो कतरे का टुकड़ा है। यह छोटा बंदर क्या कर रहा है? बाबू, ठीक है। अगर ये गया तो गया कहाँ? ये काम नहीं कर रहा है। ये तो बहुत चालाक है। मुझे कुछ और ट्राई करना पड़ेगा। बबलू, तुम्हारा राजा आया है। अजीब बात है, सब लोग कहाँ है? मुझे पता है वो लोग कहाँ है। खोदने में कैसा वक्त जाता है पता नहीं चलता। और अब समय है इंतजार का। ये लो साहब आ गए। ओ यार, ये तो मैं सोचना ही भूल गया। ये तो बहुत उड़ता है। ठीक है, कुछ और करना पड़ेगा। मेरी गलती, ओ तेरी की तो। क्या हुआ? क्या हुआ? मैं आ गया। तो हुआ यूं कि उसने जाल बिछाया था। तुम तो बेवकूफ कैसे हो? कितने साल हो गए तुम्हें? 3। ये देखो, उसने मेरे लिए भी जाल बिछाया था। हारी हुई बाज के लिए एक बार और। अब ये क्या? चलो एक तो मिल गया। चलो फोन लगाता हूँ बॉस को और अच्छी खबर देता हूँ। लग गया। हाय सर, आपको विश्वास नहीं होगा मैंने क्या पकड़ लिया। हाँ जी, फिक्र मत करिए, वो ठीक है, मैंने बंदर पकड़ लिया है। इधर आओ। अब तो तुम्हें पकड़ लिया। पकड़ लिया बंदर की औलाद। ये तो नकली है। मुझे गुस्सा आ रहा है। क्या खरीदने वाले हो लक्का? मुझे चूना लगाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? दम है तो नीचे आके दिखाओ। कोई दिक्कत नहीं है, हम आते हैं। तुम्हें पता है बबू कहाँ है? महाराज, प्लीज मुझे यहाँ से निकालो।